ऐतिहासिक रात, फाइनल प्रेडिक्शन के लिए रिंग में लड़ेंगे दो योद्धा। एक तरफ है गबरू कोचर, प्रेडिक्शन में धोबी पछाड़ इनकी बेस्ट तरकीब है। 1140 मैचेस होस्ट करने के बाद आंखों में अंगारे लेकर उतर रहे हैं प्रेडिक्शन बाजी के ताज को हासिल करने के लिए। सो वेलकम जाबाज समीर कोचर। दूसरी तरफ है बाबा स्वैग, जो बोलर्स को बिना डिटर्जेंट के धो देते हैं, नाम से नवाब, और देते हैं मुंह तोड़ जवाब। आज समीर का भरता बनाने का सोच कर आए हैं, आंखों में जुनून और सांसों में तूफान। वेलकम हैवीवेट चैंपियन वीरेंद्र सहवाग। तैयार हो जाइए प्रेडिक्शन के घमासान के लिए, एंड वेलकम टू पावर प्ले विद चैंपियंस। बॉक्सिंग के लिए टोटली तैयार, मुझे नॉकआउट करने की पूरी कोशिश वीरूपा जी। 2 पॉइंट गेम, वीरेंद्र सहवाग और मेरे बीच में 114, 112, बड़े भाई को हराने के लिए इस मैदान में मुझे आज काफी सारी प्रेडिक्शन सही करनी पड़ेंगी, लेकिन आपको मिलेंगे 6 और मौके। 6 सवाल होंगे आपके सामने, रूल्स आप जानते हैं भाई, कब से खेलते आए हैं। 3 अगर सही हुए तो कंफर्म्ड इनाम होंगे आपके नाम। लेकिन अभी चलते हैं आखिरी मैच के पहले सवाल की ओर, और पावर प्ले का शो है तो पावर प्ले से भरा सवाल। विच टीम विल स्कोर मोर रन्स इन द पावर प्ले, विल इट बी मुंबई और विल इट बी दिल्ली? बड़े भाई क्या कहते हैं, 49 की एवरेज है मुंबई की, 45 की है दिल्ली की, किस तरफ जाएंगे आप? मैं ये पूछना चाहूंगा तू किस तरफ जाएगा सर, तेरे को देता हूं मैं चांस। थैंक यू सर। तूने ऊपर आना है ना? यस सर। सर मैं मुंबई के साथ। अच्छा मुंबई के साथ। मुंबई के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है सर कि रोहित शर्मा कमाल दिखाने वाले। कमाल दिखाने जी। चल मैं भी तेरे से सहमत कर लेता। सहमति, चालाकी से सहमत हो गए हैं मुझसे। अगर सहमत हो गए तो दोनों आगे बढ़ेंगे, नहीं तो किसी का स्कोर आगे नहीं बढ़ेगा। वीरूपा जी आपकी टैक्टिक समझ रहा हूं मैं। अच्छा जी, मैं भी मुंबई कहने वाला था, क्योंकि दिल्ली की अगर बात करें तो इतने ओपनिंग पेयर चेंज करने के बाद स्टोइनिस और शिखर ने शुरुआत दी अच्छी, बट क्या गारंटी है कि कल जब वो उतरेंगे तो वही ओपनिंग पेयर होगा? क्या पता बदल जाए, क्या पता कोई जल्दी आउट हो जाए, तो भरोसा नहीं है। लेकिन मुंबई का ये जो ओपनिंग पेयर है ये तो पहले और अब तक सेम ही रहा है। जब रोहित शर्मा नहीं खेले थे इंजरी की वजह से तभी बदला था, वरना नहीं बदला, तो इसलिए भी लॉजिक है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। क्या लग रहा है आपको, एक तरफ क्विंटन डिकॉक और दूसरी ओर प्रमोट किए गए मार्कस स्टोइनिस, जो भाई कमाल के फॉर्म में पिछले मैच के अंदर, कौन ज्यादा रन बनाएंगे, क्या लग रहा है आपको सर? मुझे लगता है कि शायद डिकॉक। डिकॉक सर, क्योंकि उस तरफ जो बॉलिंग अटैक है, ट्रेंट बोल्ट है, बुमराह है, पैटिंगसन है, तो मुझे लगता है कि वो खतरनाक बॉलिंग अटैक है, शायद आउट कर देगा स्टोइनिस को जल्दी। सहमत नहीं होना तूने? ये नहीं नहीं, नहीं सर, यहाँ तो नहीं सकता मैं, क्योंकि जीतना है, जीतना है सर, खुद भी जीतना है। और सर मुझे लगा कि पर उनकी बैटिंग के बारे में बात करते हैं, मैं स्टोइनिस कहूंगा, लेकिन वो जो बैटिंग की इसके अंदर, जिस तरीके से शॉट्स मारे, 3 विकेटें भी ली, मतलब लग रहा था दिन स्टोइनिस का ही था। बिल्कुल नो डाउट, मतलब बहुत मुझे मजा आता अगर वो ज्यादा देर और खेलते। 38 रन बनाए, लेकिन कड़क 38 रन बनाए। बड़े भाई कह रहे हैं क्विंटन डिकॉक, मैं कह रहा हूं मार्कस स्टोइनिस, आपकी बारी आते हैं भाई, खेल तो आप ही रहे हैं। Who will score more runs between Quentin de Kock and Marcus Stoinis? Finals में दोनों ओपन करेंगे, दोनों के कंधों पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम को शानदार स्टार्ट देना, और अगर रन मारेंगे तो बड़े रन मारेंगे टीम को जिताने के लिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और बल्लेबाजों की बात हो गई, चलिए पर्पल कैप की बात करते हैं। वीरूपा जी अगर एक कॉन्टेस्ट के अंदर कॉन्टेस्ट चल रहा है तो ये कॉन्टेस्ट है एक तरफ रबाडा और दूसरी ओर जसप्रीत बुमराह के बीच में, 2 विकेट का डिफरेंस, आप इनकी पूरे टूर्नामेंट पे परफॉर्मेंस कैसे गेज करते हैं दोनों की? देखिए ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं और सैम, 2 पॉइंट का गेम है सर, है ना, 2 पॉइंट का गेम, तो 2 पॉइंट तू पीछे है, 2 ही पॉइंट पीछे, 2 विकेट पीछे है बुमराह जी, तो पहले उसको 2 विकेट लेनी होंगी, 3 विकेट मैं कहूं, और रबाडा को 1 भी विकेट नहीं लेनी होगी। यहाँ पर तुझे 4 सवाल सही जवाब देने होंगे और मुझे सिर्फ 1। करेक्ट करेक्ट, है ना। आप बैठ के वैसे रबाड़ा की तरह मेरा कबाड़ा तो खड़ी है देख रहा हूँ। रबाड़ा कह रहे हैं आप पर्पल कैप, सो आई विल बैक सर बुमराह। बुमराह सर मुझे लग रहा है कि 2 विकेट लेगा बुमराह, और 2 विकेट लेने के बाद भाई रबाड़ा का बैट डे भी हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है सर, सो आई एम बैकिंग जसप्रीत बुमराह। आप किसको बैक करेंगे सर? मैं रबाड़ा। रबाड़ा, चलिए आप पे आते हैं। Who will win the purple cap? जसप्रीत बुमराह or will it be Kagiso Rabada? 2 ऐसे बॉलर जिसने टूर्नामेंट में आग लगा दी है, जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं वाकई काबिले तारीफ। पर्पल कैप की बात हो गई तो आते हैं ऑरेंज कैप की ओर। भाजी 2 सेंचुरी मारी है शिखर धवन ने, गब्बर ने, क्या गब्बर में वो ताकत है
कि वो हकदार बने ऑरेंज कैप की और छीन ले उसे केएल राहुल से इस मैच के अंदर? देखिए हकदार तो पूरे हैं, उनमें वो दमखम है रन मारने का दिखा है, और मुंबई के सामने जब वो पहला मैच खेले थे वहीं से अपने रन बनाने की शुरुआत भी की थी उन्होंने और 69 रन बनाए थे उस मैच में, हालांकि दिल्ली हार गया था। लेकिन इस मैच में मुझे लगता नहीं कि वो शायद वो 65 रन का आंकड़ा पार कर पाएंगे और ऑरेंज कैप ले पाएंगे, ऐसा पता नहीं मुझे कुछ अंदर से इंट्यूशन हो रही है। सर आई गारंटी यू, क्या मैं गारंटी करके बोल रहा हूँ तो, बट सवाल तो यही है ना, मैं गारंटी कर रहा हूँ सर कि ऑरेंज कैप जो होगी शिखर धवन के सर पे होगी। अच्छा आई एम टेलिंग यू सर, तो मतलब मैं तेरे साथ सहमत करूँ? नहीं नहीं मत करो, आप क्यों नहीं, आप अपनी तरफ जाओ ना सर। अच्छा। आपका रास्ता अपना है, मेरा रास्ता मेरा है। मैं कह रहा हूँ, कंफर्म कह रहा हूँ सर, आई एम सेइंग कि कंफर्म वो ऑरेंज कैप पाएंगे। बड़े भाई कह रहे हैं कि हकदार है उस ऑरेंज कैप के। विल शिखर धवन विन द ऑरेंज कैप, यस और नो? करेंगे नहीं करेंगे सोचिए, जल्दी से सोचिए, 10 सेकंड बहुत जल्दी उड़ जाते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और ये जुड़ा है कप्तान रोहित शर्मा से। और रोहित शर्मा जो है इंजरी के बाद वापस आए, काफी सारी सस्पेंस थ्रिलर्स बनी है इनकी इंजरी को लेकर, लेकिन अब खेल रहे हैं वीरूपा जी। फॉर्म पे आएंगे, बड़ा बैट्समैन है, बड़े मैच में 3 बारी थोड़ा फेल हुए हैं, आपको लग रहा है कि आएंगे इस बारी फाइनल के अंदर अच्छे रन मारेंगे? बिल्कुल, अगर पूरे आईपीएल की बात करें, इस टूर्नामेंट की बात करें, तो उसमें रोहित शर्मा की 1 या 2 इनिंग हमने चल के देखी है जिसमें उन्होंने कड़ाकेदार बैटिंग की है, तो अभी तक ऐसी कोई बड़ी इनिंग देखने को नहीं मिली है। हो सकता है फाइनल में वो देखने को मिले, और मैं तो चाहूँगा, मैं उनकी बैटिंग का बड़ा फ़ैन हूँ, बड़े एफर्टलेसली शॉट मारते हैं, छक्के मारते हैं, कि उनकी बैटिंग देखने को मिले और वो रन बनाए, शायद 54 रन बनेंगे सर, 25 सर, ठीक है बोल लिया हमने। आपकी बारी है भाई, हाउ मेनी रन्स विल रोहित शर्मा स्कोर? स्लाइडर की रेंज है 0 to 100, जानते हैं आप क्या करना है, उंगली को उठाइए, लगाइए स्लाइडर पे, क्लिक ऑन इट एंड मूव इट टू दैट नंबर। बड़ा दिन हो सकता है, बड़े खिलाड़ी हैं लेकिन फॉर्म में नहीं है, सोचिए अनुमान लगाइए। वीरूपा जी आप सारे फॉर्मेट के लिए, एक फैन का सवाल है आपके लिए और वो पूछना चाह रहे हैं आपसे कि आपको सारे क्रिकेटिंग फॉर्मेट्स यानी कि टेस्ट, ओडीआईज और टी20s में से आपका मनपसंद क्रिकेटिंग फॉर्मेट कौन सा है? टेस्ट क्रिकेट जी सर, मुझे टेस्ट क्रिकेट खेलने में बड़ा मजा आता है, लेकिन सच बताऊं जब मैं टेस्ट क्रिकेट खेलने लगा तो कुछ सालों के बाद ना मेरा मन ऐसा लगा यार मैं क्यों खेल रहा हूँ, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं हम उस समय मेरे टाइम में 2-2 or 2.5 दिन फील्डिंग करते थे, थक जाते थे यार फील्डिंग करके, ऐसा लगा यार नहीं टेस्ट क्रिकेट छोड़ो वनडे क्रिकेट ही खेलते हैं, क्योंकि 2.5 दिन पिदो, पहली बॉल पे आउट हो गए तो मुंह बना के ड्रेसिंग रूम में बैठे रहो, बट वो एक चैलेंज है टेस्ट क्रिकेट का, वही एक मजा है, आपका करेक्टर, आपकी टेक्निक सब कुछ चेक होता है वहाँ, आपके कॉन्सेंट्रेशन पेशेंस सब चेक होते हैं टेस्ट क्रिकेट में। पहला 300 बनाया तो इतनी खुश हुआ कि मैं इंडिया का पहला प्लेयर बना जिसने 13 शतक बनाया भारत के लिए। मिल गया जवाब आपको, मैं उस जवाब पे ऐड इन कर देता हूँ आपके लिए। देखो भाई चाहे टेस्ट हो, चाहे ओडीआई हो, चाहे टी20 हो, बड़े भाई खेलते थे 5वें गियर पे, उनको फर्क नहीं पड़ता था कि टेस्ट मैच चल रहा है, ओडीआई या टी20, बल्ला घुमाओ, आईसाइट इतनी शानदार, बॉल दिखी और पटांग बाउंड्री के बाहर, लेकिन पसंद करते हैं टेस्ट क्रिकेट सबसे ज्यादा। होप यू गॉट दैट आंसर फॉर योरसेल्फ। पाजी 300 सवाल कैसे इतनी जल्दी उड़ गए यार, आखिरी सवाल पे आ गए, क्या बात कर रहे हैं, आई बी इमोशनल सर। सैम ऐसा मत कर दे, मैं बहुत कम रोता हूँ सर, मैं बहुत ज्यादा रोता हूँ आजकल मुझे मत रोला। 300 हो गए सर। आखिरी सवाल सर, टूर्नामेंट से जुड़ा हुआ सवाल, चैंपियनशिप से जुड़ा हुआ सवाल, दिल्ली और मुंबई की जो जंग है ये मैदान के बाहर भी होती है और अब होने वाली है मैदान में। मुझे याद है आपने कहा था कि इस साल आपको लग रहा है कि दिल्ली और मुंबई का ही फाइनल होगा, और सर वही हुआ है। पहाड़ जैसी टीम मुंबई, लीग अपनी अलग उनकी जिस तरीके से खेल रहे हैं, और दूसरी ओर दिल्ली की टीम जो यहाँ कभी नहीं पहुंची, क्या देखना चाहेंगे इस फाइनल के अंदर? देखिए मैं दिल्ली के लिए एक अपॉर्चुनिटी है और मैं चाहता भी हूँ, और मैंने बहुत बारी भी बोला है कि इस टूर्नामेंट में अगर कोई नया चैंपियन बनता ना तो वो बहुत अच्छी बात होगी इस टूर्नामेंट के लिए जी। क्योंकि और जो कभी नहीं जीता है उसके लिए भी होप होगा, यार दिल्ली जीत गई पहली बार तो शायद अगले साल हम भी जीत जाएं इस टूर्नामेंट को, तो जो उन्होंने किया शायद हम वैसा करें, तो मैं बड़ा खुश होऊंगा अगर दिल्ली जीतेगी ये टूर्नामेंट और चाहूंगा भी दिल्ली जीते। फीलिंग आ रही है बड़े भाई को कि भाई चाहेंगे दिल से, और हम सब चाहेंगे भाई, और खास तौर से दिल्ली के फैन वीरूपा जी, फिरोशा कोटला में इतने मैचेस देख के कभी उनके साथ कुछ पानी अच्छा फीलिंग एक तरफ है, जवाब क्या है अब उस पे आ जाते हैं सर, ठीक है। मैच कौन जीतेगा, कौन बनेगा चैंपियन, दिल्ली या मुंबई? मैं कहता हूं कि तू दे जवाब। क्लोजअप आ गया सर, मैं आपकी जन्मभूमि सर दिल्ली, उड़ा देगी मुंबई की खिल्ली। क्या बात है सैम, थैंक यू सर। आप क्या कह रहे हैं सर? मैं आपसे सहमत हूं। सहमत है मुझसे आप? बिल्कुल। आई कांट बिलीव दिस, आई एम नॉट लीविंग हिज हैंड।
थैंक यू सर, सहमत है। मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि दिल्ली जीते। चलिए, जाते जाते वीरू पाजी मुझसे सहमत हो गए हैं। आप हमसे सहमत हैं, नहीं सहमत हैं? Who will be the champions? आखिरी सवाल आप लोगों के लिए, दिल्ली या मुंबई? Who is going to hold the trophy? 13वां edition के कौन बनेंगे champion? Who is going to win on the day? And that's something we will find out after this big match. तो यहां पर 300 सवाल होते हैं खत्म। बाबा स्वैग, पावर प्ले विद चैंपियंस में आप आए, आपने शो की शान बढ़ाई, लेकिन ये सफर आपके लिए कैसा रहा, आप बताएं। सैम, मुझे शायद इतना मजा किसी और शो में नहीं आया। रियली सर? इस शो में आया। क्या बात, यू हर्ड इट फर्स्ट, दीपा जी कह रहे हैं। इसलिए नहीं कि इसमें प्रेडिक्शन होती है, इसलिए कि मैं तुझे उस हर प्रेडिक्शन में हराता था। जाते जाते भी मतलब यार, कभी तो छोड़ दो वीरूपा जी। कमाल का शो था, बड़ा मजा आया। ऐसा होस्ट और दोस्त शायद ही दोबारा कभी मिले, पर मैं चाहूंगा जी कि ये शो हम हर साल करते रहे आपके साथ, और मैं प्रेडिक्शन हर साल जीतता रहूं। तो आप आ रहे हैं 4 महीने में वापस? मैं तो आ रहा हूं। कंफर्म? नो, मैं आ रहा हूं। हम वापस आएंगे 4 महीने में। ये T20 टूर्नामेंट हमारी जिंदगी में जब भी वापस होगी, तो पावर प्ले करते करते हम ये 6 सवाल लेकर आपके सामने आएंगे। थैंक यू फॉर बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस, और भाई आपसे हम कहेंगे अलविदा। लेकिन जाते जाते वीरूपा जी, यार ये तो हमारा आखिरी एपिसोड था जी, तो ये कैसे पता करें कि आपके और मेरी जीत में ये ताज किसने पहना? तो इतना पुश कर रहा है, तो पुशअप्स के थ्रू ही इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो आप कह रहे हैं कि अगर मैंने ज्यादा पुशअप मार लिया आपसे, तो आप मान लेंगे कि आप हार गए, तो मैंने ज्यादा पुशअप्स करने हैं। दैट्स ऑल आई हैव टू डू। बिल्कुल, इजी पीजी यार, वॉक इन द पार्क। ओके, जस्ट वार्म अप अ बिट। रेडी सर, काउंट करें? यस। ओके, देख रहे वीरपाजी, हो रहा है, हो रहा है। सैम देख रहा हूँ मैं, तू मेरे चरणों में तो आ ही गया है। देख, मेरे चरणों में आ ही गया है। अब तूने घुटने टेक ही दिए हैं। अरे फिर पाजी यार, मैं तुझे जिता ही देता हूँ ये टूर्नामेंट, तू जीता मेरी तरफ से। जाते जाते भी करवा गए मुझसे, ये है हमारे वीरूपाजी। हम आपसे मिलेंगे फिर से दोबारा ऑन पावर प्ले विद चैंपियंस। अरे वीरूपाजी कहाँ जा रहे हो यार, जाओ यार, थोड़ी बातचीत हो जाए।